नया नियम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय एक इब्राहिम की संतान दाऊद की संतान यीशु मसीह की वंशावली। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, और याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। यहूदा से फिरिस और यहूदा और तामार से जोरह उत्पन्न हुए, और फिरिस से हिश्रोन उत्पन्न हुआ, और हिश्रोन से एराम उत्पन्न हुआ, और एराम से अम्मीनादाब उत्पन्न हुआ, और अम्मीनादाब से नहशोन, और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ, और सलमोन और राहब से बोअज उत्पन्न हुआ, और बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से यिश्शै उत्पन्न हुआ, और यिश्शै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ, और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिया की पत्नी थी, और सुलेमान से रहबाम उत्पन्न हुआ, और रहबाम से अबियाह उत्पन्न हुआ, और अबियाह से आसा उत्पन्न हुआ, और आसा से यहोशाफात उत्पन्न हुआ, और यहोशाफात से योराम उत्पन्न हुआ, और योराम से उज्जियाह उत्पन्न हुआ, और उज्जियाह से योताम उत्पन्न हुआ, और योताम से आहाज उत्पन्न हुआ, और आहाज से हिजकियाह उत्पन्न हुआ, और हिजकियाह से मनश्शे उत्पन्न हुआ, और मनश्शे से आमोन उत्पन्न हुआ, और आमोन से योशिया उत्पन्न हुआ, और बंदी होकर बाबुल जाने के समय में योशिया से यकुन्याह और उसके भाई उत्पन्न हुए। बंदी होकर बाबुल पहुंचाए जाने के बाद यकुन्याह से शल्तियेल उत्पन्न हुआ, और शल्तियेल से जरुबाबिल उत्पन्न हुआ, और जरुबाबिल से अबीहूद उत्पन्न हुआ, और अबीहूद से इल्याकीम उत्पन्न हुआ, और इल्याकीम से अजोर उत्पन्न हुआ, और अजोर से सदोक उत्पन्न हुआ, और सदोक से अखीम उत्पन्न हुआ, और अखीम से एलीहूद उत्पन्न हुआ, और एलीहूद से इलियाजर उत्पन्न हुआ, और इलियाजर से मत्तान उत्पन्न हुआ, और मत्तान से याकूब उत्पन्न हुआ, और याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, जिससे यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। इब्राहिम से दाऊद तक सब 14 पीढ़ी हुई, और दाऊद से बाबुल को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बाबुल को पहुंचाए जाने के समय से लेकर मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। जब वह इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो, कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ। सो यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा।